हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी एसएससी जेई चैनल में। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज संडे को अपन लोग फंडे बनाने वाले हैं, बिल्कुल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ यूपीपीसीएल के लिए, एसएससी जेई के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो मेरे साथ आखिरी तक आप बने रहिएगा। और इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर एरर्स होती हैं। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस और इस वीडियो को कर दो शेयर। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अन अकेडमी पर गेट ईएससी एई जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं, राहुल 11 कोड के साथ मेरी आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं अन अकेडमी पर। और आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ के साथ गाइज आपको मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। अन अकेडमी में एसएससी के गोल के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहा हूँ, फुल कोर्स जो पार्ट सेकंड 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 9 से 11 क्लासेस चलती हैं। आप इस बैच के अंदर एनरोल्ड हो सकते हैं राहुल 11 कोड के साथ, ठीक है। आपको पूरी की पूरी टीम मिलेगी डेडिकेटेड, जो आपको जेईई के लिए प्रिपेयर कराएगी। गाइज, सब्सक्रिप्शन के एडवांटेज है, शेड्यूल पर क्लास, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, लर्न कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर, रिकॉर्डेड लाइव सेशन, आंसर लाइव पोल में दे सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, क्विज, पीडीएफ लर्निंग मटेरियल, बहुत कुछ एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में, वो भी सिर्फ एक कोड के साथ राहुल 11। तो करना क्या होगा आपको, एसएससी के गोल में जाना होगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बट अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार चीजों को पढ़ रहे हैं और पहली बार जान रहे हैं, गो विद 1 ईयर 2 ईयर प्लान, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोर्स रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियरिंग और ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अप्लाई माय कोड, गेट द सफिशिएंट डिस्काउंट, ठीक है। अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल को टेलीग्राम पे कर लो सब्सक्राइब, यहाँ नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस, ठीक है। चलिए, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस और वीडियो को कर दो शेयर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 30 सेकंड आपके पास, बताएं राइट आंसर। तो स्टूडेंट क्या है, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। तो बच्चा कह रहा है, कुछ कह रहा है यार हमसे, ठीक है। अरे यार, बुक कोई सी भी ले लो, तमीज से लगा लो, कॉन्सेप्ट के साथ लगा लो, रटने की कोशिश कम करो, समझने की ज्यादा करो, किताबों को चट्टा मत लगाओ, कोई सी भी ले लो, सब अच्छी बुक्स है। चलो बताया, बूस्टर्स आर, जल्दी बताएं व्हाट आर द बूस्टर्स, बूस्टर्स क्या होते हैं गाइस। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, यहां अर्जुन भारती ने आंसर दे दिया है, ठीक है। पहला आंसर मेरे सामने आ चुका है, जो भी बच्चा आंसर दे रहा है बी, ठीक है, टोटली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहां पर, आप सभी कर गए सिली मिस्टेक, क्योंकि यार सभी को पता है बूस्टर जो है सर सीरीज जनरेटर का नाम है, सीरीज जनरेटर कहते हैं। और सीरीज जनरेटर की एक खासियत और होती है, वोल्टेजेस कम होते हैं, करंट ज्यादा होते हैं, इन्हें कहते हैं लो वोल्टेज हाई करंट जनरेटर, लो वोल्टेज हाई करंट जनरेटर। तो देखो एग्जामिनर ने कितना बढ़िया आपको फंसा दिया। तो अक्सर एग्जामिनर यही काम करता है जहां पर हमसे मिस्टेक होती है, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, वो पूछ रहा है व्हाट आर बूस्टर्स, व्हाट आर बूस्टर्स, तो डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन वहां पर वाटार में तो ये भी आ गया कि ये लो वोल्टेजेस हाई करंट जनरेटर भी है, तो इसी तरीके से आप फंस गए और शुरुआत हुई सभी बच्चों की नेगेटिव मार्किंग के साथ, नेगेटिव मार्किंग। चलो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन अलाउड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बताएं फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, बताएं माय डियर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। चलिए बताएं फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, बताओ कितने का है। देखो यहां पर वही है, जो कच्चा पढ़ा हुआ है बच्चा वो प्रॉब्लम करेगा मेरे भाई, यहां फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं तो +-3% आईईआर रूल
55 के अकॉर्डिंग, और 6% जो है मेरे भाई वो वोल्टेज वेरिएशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी ये सोच रहा है ना, बी जिसने दिया है बिल्कुल सही आंसर है, और डी जिसने दिया वो गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडर आर मेनली डिजाइन ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, फीडर आर मेनली डिजाइन ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बताओ, फीडर को डिजाइन किस लिए किया जाता है, यार एक बात बताओ मुझसे क्या नाराजगी रहती है तुम सबकी, तुम्हारे लिए इतना एफर्ट करने के बाद भी तुम मेरे सेशन शेयर नहीं करते, भाई शेयर एयर कर दिया करो, पता नहीं यार। फीडर देखो बच्चे, फीडर के अंदर बच्चे करंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो किसके लिए बनता है, जल्दी बताओ बेटा, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइन ऑन इट। तो ये दोनों बातें याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप पे डिजाइन होते हैं, फीडर जो होते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी इनमें कांस्टेंट रहती है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ यार, प्लांट कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, सही सही बताना इसका आंसर, वरना तो देख लो आज पिटाई हो जाएगी सबकी, जल्दी बताओ ए बी सी डी। चलो बताओ, अरे ऐसा नहीं है, मेरा क्राउड अलग है उनका क्राउड अलग है। प्लांट कैपेसिटी का आंसर कौन देने वाला है, बिल्कुल सही, एवरेज डिमांड ओवर प्लांट कैपेसिटी, यही होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर गाइस। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है याद रखो ये सारी चीजें, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है इट विल बी ग्रेटर देन वन, बाकी जितने लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लेस देन वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बंडल कंडक्टर के बीच में कितनी स्पेस होती है, बंडल कंडक्टर के बीच में एक स्पेसर लगता है, एक स्पेसर लगता है बंडल कंडक्टर के बीच में, एक स्पेसर लगता है जो इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाकर रखता है, तो कितनी होती है मिनिमम, जल्दी बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी। याद रखो बच्चे ऑप्शन नंबर सी, ये 40 सेंटीमीटर होती है। बंडल कंडक्टर का काम क्या होता है, क्या काम होता है, कोरोना को एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, कोरोना को, कोरोना इफेक्ट को कम करना, ठीक है। बंडल से होता क्या है, जीएमआर को इंक्रीज करते हैं, तो इंडक्टेंस घटता है कैपेसिटेंस बढ़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आपका क्या होता है, कम होता है, जिससे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बढ़ती है। तो सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि एल पर रिड्यूस, सी पर इंक्रीज, जेड सी डिक्रीज, एस आई एल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी एट विच रिले स्टार्ट ऑपरेट, बताओ यार, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी एट विच रिले स्टार्ट ऑपरेटिंग, बताएं गाइस, बताओ यार, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी एट विच रिले स्टार्ट ऑपरेटिंग, ऑप्शन नंबर डी है पिकअप वैल्यू।
ऑप्शन नंबर डी पिकअप वैल्यू, ठीक है, पिकअप वैल्यू वो करंट होती है जिसके ऊपर आपकी रिले ऑपरेट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल कंडक्टर इन ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड बताओ बंडल कंडक्टर इन ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड्स भाई पता नहीं यार तुम कहां पर क्या पढ़ रखा है बच्चे, मुझे लगता है यार तुम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो। भाई मेरे अभी बताया बंडल कंडक्टर में जीएमआर बढ़ती है तो कैपेसिटेंस होता है 2πE0ln बाय जीएमडी बाय जीएमआर, जब ये बढ़ता है तो ये घटता है और ये घटता है तो ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अरे यूपीपीसीएल के लिए ही करा रहा हूं मेरे भाई, आते ही एकदम यूपीपीसीएल। वर्मा जी आप आते हो बस हवा भाई, फिर कहते हो मेरे सब्जेक्टों से नोट्स बनाते हो, ठीक है चलो भैया यूपीपीसीएल ही है, कोई सा और पीपी लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यार, शंट रिएक्टर कनेक्टेड एट द रिसीविंग एंड ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन चलो बताओ यार, शंट रिएक्टर कनेक्टेड एट रिसीविंग एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बताओ गाइस किस लिए करते हैं। हाँ सब कुछ कराऊंगा बेटा, तुम आओगे तो कराऊंगा ना, अब तुम आते तो हो नहीं वर्मा जी, तो चैप्टर वाइज कैसे कराऊंगा, क्लास में आया करो तो चैप्टर वाइज कराऊंगा। चलो शंट रिएक्टर, देखो बच्चे आप सभी को पता है एक फ्रंट इफेक्ट होता है ना, फ्रंट इफेक्ट आप सभी को मालूम होगा सारे प्यारे बच्चों को, कि रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन होती है सेंडिंग एंड वोल्टेज। ऐसा क्यों होता है बच्चे, जब लाइट लोड होता है, लाइट लोड होता है या कैपेसिटिव लोड होता है तो उस मूवमेंट पे ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है, तो हमें क्या करना होता है कि इस रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करना होता है, इस रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करना होता है तो हमें लगाना पड़ता है शंट रिएक्टर टू कंपनसेट वोल्टेज राइज कॉज्ड बाय कैपेसिटिव चार्जिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलो शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। बताओ बेटा मेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर रेफर्स टू, मेकिंग करंट क्या बताती है बच्चे, बेटा जिससे कनेक्ट हुए उससे बोलो ना, स्टेबिलिटी करवा देंगे। चलो मेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर रेफर्स, बताओ बेटा मेकिंग करंट, देखो दो करंट होती है हम सबको पता है, एक होती है बेटा मेकिंग करंट, और मेकिंग करंट जो होती है ब्रेकिंग करंट से ज्यादा होती है, कितने टाइम्स होती है 2.55 टाइम्स, ठीक है 2.55 टाइम्स। तो यहां पर ये क्या होती है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए शॉर्ट सर्किट करंट एट द टाइम ऑफ मेजर पीक। शाबाश, तो मैं देख रहा हूं यहां पर सुजीत, उत्कर्ष, दीपक, वीके, वर्मा जी, वर्मा, राहुल शर्मा बहुत सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड गाइस, ऐसे लगे रहो। नेक्स्ट बताओ यार, इफ द सेपरेशन बिटवीन द थ्री फेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीज देन क्या असर पड़ेगा, एल सी दोनों पर क्या असर पड़ेगा, बहुत अच्छे बच्चों, इफ द सेपरेशन बिटवीन द थ्री फेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन
बताएं बताएं व्हाट शुड बी, बिल्कुल सही अर्जुन, गुड, बताएं। डिक्रीज करना यार, डी की वैल्यू कम हो रही है। तो यार देखो बच्चे एक बात बताओ, आप खुद भी खुद ही, एल एन बराबर क्या होता है, जीएमडी बाय जीएमआर। तो यार अब बच्चे अगर आपको पता होगा सभी को, मिली हेनरी पर किलोमीटर, अगर डी कम हो रहा है तो इंडक्टेंस कम हो रहा है। सी पर देख लेते हैं इसका इफेक्ट, ठीक है, तो जीएमडी कम हो रहा है तो ये वाला टर्म कम हो रहा है, सी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चे मेरे, डी। तो शाबाश, यहां पर दीपक ने, सत्य प्रकाश ने, ठीक है, बहुत अच्छे, अर्जुन वेरी गुड, शाबाश गाइस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बेटा, सर्किट की डेल्टा फॉर्म बतानी है गिवन सर्किट के लिए, आपको डेल्टा फॉर्म बतानी है, कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन, सिर्फ एक बार में आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हो, कितनी जल्दी कर सकते हो वो देख लेते हैं। चलो मैं जरा साइड में हट जाता हूं, तुम्हें देख नहीं रहा हूं, सॉरी मेरे को पता नहीं चला, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, बी आंसर है गाइस, देखो कैसे। बेटा आप क्या काम करो, ये वाली वैल्यू निकाल लो जो भी है, तो ये दोनों वैल्यू किसके बीच में लगी है, चार और तीन के, तो चार को एक बार जोड़ो, चार प्लस तीन को इनकी गुणा करो, सामने वाले से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, सात प्लस बारह, सर जी 19 ओम, तो 19 ओम ए की में आ रहा है, बी में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शाबाश। नेक्स्ट बताओ यार, इसमें करंट का मान निकाल कर बताओ, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन बोलोगे तो दे दूंगा, चलो दे देता हूं, माइनस का वन, बी वन, सी टू, डी माइनस का टू, शाबाश, बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। बताएं, समय अभी है आपके पास, समय, आप देखो गाइस ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना हो तो एक ही ट्रिक लगाओ, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन को कैसे लगाओगे, ये देखो, तीन एम्पियर, एक ओम, चार ओम, तीन वोल्ट, छह वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितनी लगी, छह वोल्ट, इसके अक्रॉस कितनी लगी, तीन वोल्ट, प्लस माइनस वीटीएच निकाल लो, तो यार वीटीएच आया माइनस का तीन, ठीक है, अब इसका आरटीएच निकाल लो, तो ये ओपन करो ये शॉर्ट करो, आरटीएच आया एक ओम, आरएल कितना है दो, तो बेटा करंट कितना हो गया, माइनस का तीन, एक प्लस दो, माइनस का एक, ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। तो यहां पर अर्जुन ने, आशीष ने, उत्कर्ष ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, गुड। तो गाइस जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, नोडल में लग जाएंगे लगाने के लिए, कि सर नोडल लगा दूंगा, नोडल लगा लो, ठीक है, यहां से निकाल लो आप माइनस का तीन, तो वोल्टेज निकाल के आप मेरे को वैल्यू बताना, शाबाश। चलो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, बताओ मेरे बच्चे, जिससे मन करे यार उससे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आना चाहिए, मेरे लिए तुम्हारा आंसर मैटर करता है, तुम आंसर सही लगा रहे हो
तो मुझे खुशी होगी, दैट्स इट। तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुम्हें तो खुशी होगी, मुझे उससे ज्यादा होगी। चलो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, भैया एनर्जी जूल, सर समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, जूल। नेक्स्ट बताओ यार, आई फोर का मान बताओ। ठीक है, आई फोर का मान तो ऑप्शन दे देता हूं, 6, 8, 9 या डी माइनस का 6। चलो छोड़ो, नन ऑफ द अबव। चलो बताओ यार जल्दी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई फोर, आई फोर का मान बता दो बेटा। आई फोर ये रहा, स्लाइड क्लियर नहीं हो रही ना, मैं हट जाता हूं यार, इससे ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंस है, जल्दी बताओ। लेकिन आप आंसर निकाल के बताओगे मेरे को, आई फोर की वैल्यू क्या होगी। शाबाश, कितना आया, निकल गया ना आप तो, 7+8। ठीक है, देखो आने वाली का सम जाने वाली के बराबर कर दो, ठीक है, आने वाली का सम जाने वाली के बराबर कर दो, तो आने वाली कौन कौन सी हो गए, 7, 2, 9, ठीक है, और आपका 4, तो 9+I4। जाने वाली कौन कौन सी है, 8+4 12, 12 3 15, 6 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। बेटा कौन सा कथन इसमें से सही है बताएं, गिवन स्टेटमेंट इनमें से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल सही सर जी, बिल्कुल सही बताया है कि रेजिस्टेंस में कल ही बात करी थी हमने, इसमें 1 ओम 2 ओम 3 ओम है, तो तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 6 आएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो मच ग्रेटर देन होगी किससे, हाईएस्ट वैल्यू से भी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नहीं यार मैं कमेंट में नहीं हूं, कोई दूसरा स्टूडेंट बताएं। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। देखो बच्चे हम सबको पता है रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी मटेरियल की, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो ये ना ही प्रेशर पर डिपेंड करती है ना तापमान पर करती है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेकिन एक बात याद रखो, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, अगर तापमान बढ़ाओगे तो क्या होता है, अल्फा का मान चेंज होता है, अल्फा का मान भी चेंज होता है तो भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, बट जो सबसे सही है उसके साथ आंसर जाना, ऑप्शन नंबर सी। भाई प्रैक्टिस करो, सही से पढ़ो, पता लगाओ कैसे पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, क्यों नहीं बना पा रहे हो, वो सारी बातें जानने के बाद तब मुझसे पूछना, तब मैं आपको बताऊंगा।
भाई दोनों पे करती है, लेकिन आपको आंसर वो लगाना है जो सबसे परफेक्ट है, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एलिमेंट टू एन सर्किट इज, कौन सा इनमें से पैसिव एलिमेंट है? रजिस्टर, ठीक है? तो पैसिव एलिमेंट वो जो पावर डिलीवर नहीं कर पाते। एनर्जी, इनमें एनर्जी क्या होती है? डिसिपिएट होती है। तो पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हो गए आपके? RLC, ठीक है? चलिए, एक्टिव कौन सा हो गया आपका? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी सोर्स। नेक्स्ट बताएं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ। बताओ यार, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बिल्कुल सही। तो यार देखो, ये जो V बराबर IR वाली फॉर्म है, ये होती है ओम्स लॉ की लम्प पैरामीटर्स के लिए। ये वाली फॉर्म जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए। ओम्स लॉ वैलिड फॉर लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। केसीएल के बारे में बात करें तो इट इज वैलिड ओनली फॉर लम्प्ड पैरामीटर। ये वाला नियम फेल हो जाता है, फेल एट हाई फ्रीक्वेंसीज। ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ एक कंडीशन और है, ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहने चाहिए। हाँ भैया, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है? तभी बताया है। चलो, अरे यार पैसिव है सुधांशु, इतना पढ़ाने के बाद भी वो खुद से थोड़ी जनरेट करता, उसे आप सोर्स लगाते हो प्राइमरी साइड पर। चलो बताओ यार, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अरे बता तो दिया, सुन लो भाई। इस पे समय खराब नहीं करूंगा मैं। चार, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज। देखो यार, कितने कम समय में हमने आधे घंटे में 20 सवाल कर लिए। नेक्स्ट बताओ यार, एवरेज पावर, एवरेज पावर का मान बताओ। फॉर गिवेन एक्सप्रेशन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर। चलो अब देखो, इसमें अक्सर गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अक्सर करते हैं। क्यों करते हैं? वी आई कॉस फाई होता है तो यहां पर रखने होते हैं आरएमएस मान, बट यहां आरएमएस मान नहीं दिए हुए आपको, पीक मान दिए हुए। कॉस फाइव, तो यहां पर पुट करो आप 10√2, 20√2, ठीक है? कॉस एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यार ये कितना हो गया सर जी? 200/2, 1/2, ठीक है? तो ये आपका आ गया कितना? 50 वॉट, ठीक है? कितना आ गया?
50, कितना आ गया 50। तो ये अक्सर गलतियां होती। देखो तो सभी ने निकाला है, जिस बच्चे ने 100 निकाला है बच्चे आपने जल्दबाजी में गलती कर दी, दिस इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मेरे भाई पी एवरेज यही होती है पांडे जी, पी एवरेज यही होती है, ठीक है, पी एवरेज यही होती है। और जब VMIM लिखा जाता है तब पी एवरेज ये होती है। यहां पर आते हैं आरएमएस मान, पता नहीं कहां के कॉन्सेप्ट बना रहे हो। चलो हाँ मेरे भाई सेम ही होता है, बट जब मान बदलते हैं पीक मान है, भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा करो, नेटवर्क में बहुत पढ़ा रखा है मैंने। चलो बच्चे देखो H बराबर क्या होता है, MMF, ठीक है, ओवर, जल्दी बताओ लेंथ। तो NI बराबर लेंथ, तो एम्पियर टर्न पर मीटर H की वैल्यू आ गई। बट होता क्या है, इसकी दो यूनिट हो सकती है। अगर आप टर्न को डायमेंशन लेस क्वांटिटी मानते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो माय डियर टर्न को गायब कर दो, एम्पियर पर मीटर होती है। कभी एग्जाम में ये आ जाए ये भी राइट है, ये आ जाए ये भी राइट है, तो एम्पियर पर मीटर इज राइट। अरे हार्ड लेकर आता हूं तो तुम भाग जाते हो, एक एक लेवल ऊपर की सीरीज स्टार्ट तो करी थी तो हार्ड में तुम भाग गए यार, हैं? तो तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत कम है ना जिन्हें हार्ड क्वेश्चन चाहिए। चलो इसका आंसर बताओ, अगर हार्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूं उनके अंदर आप आ जाएगा, वहां खूब हार्ड क्वेश्चन होते हैं। चलो मशीन के क्वेश्चन भी आएंगे यार, परेशान मत हो, ये कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। राहुल सर हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लाते हैं, परेशान मत हो, इसका आंसर निकालो। अरे निकालो भैया, परमहंस क्लासेस बताओ यार, आंसर बताओ, डी बता रहे हो वो भी गलत बता रहे हो। चलो देखो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सुनो मेरी बात। होता क्या है, बैंडविथ का फॉर्मूला होता है ये, एक फॉर्मूला और भी होता है इसका आर बाय एल, ये बैंडविथ होती है किसी भी सर्किट की। तो 80 डिवाइड बाय 0.01, ठीक है, 2 × 10⁻³। तो बेटा कितनी आएगी, 40 किलोवाट्स। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया गाइस। तो मैं यहां पर किस किस ने आंसर दिया है, सरोज ने, सांची ने, अर्जुन ने, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश, गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दिमाग में रखा गुरु, ठीक है। कभी आपसे बोल दे W1 - W2, ठीक है भाई, लोअर कट ऑफ माइनस अपर कट ऑफ बराबर आर बाय एल, क्यू बराबर भी याद रखो यार √LC। तो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर इतने सारे छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। चलो नेक्स्ट बताओ यार, मूविंग इंस्ट्रूमेंट इफ वी डिक्रीज द करंट बाय 20% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द डिफ्लेक्शन टॉर्क।
बताएं बच्चे कितना होगा, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स का। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इफ वी डिक्रीज द करंट बाय 20%। शाबाश, गुड। तो बच्चे अगर आप सबको याद हो, अभी हम मेजरमेंट ही पढ़ रहे हैं, इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, करंट स्क्वायर के। तो आपने क्या करा मेरे बच्चे, यहां पर पहले मान लो करंट 100 था, 20% घटा दिया, 80 हो गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया मेरे बच्चे, तो यहां पर आप देख लो 36% हो गया। शाबाश। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन पीएमएमसी कहता तो माय डियर ये वैल्यू कितनी हो जाती, आई के प्रोपोर्शनल हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएं बच्चे, शंट रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू चाहिए एक मिली एम्पियर मीटर को कन्वर्ट करने में, एक एम्पियर मीटर में, ठीक है, और आपको मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100। बताएं गाइस व्हाट शुड बी द आंसर। तो मेरे बच्चे 100 ऊपर रख दो आप, है ना, और जितना करंट आपको रीडिंग बनाना है उसे यहां रख दो। तो बच्चे ये कितना हो गया, 1000 - 1999, तो बच्चे 0.1 से कम आएगी वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश। यहां देख रहा हूं मैं प्रखर, राजीव, एलेक्स, दीपक, कुंदन, सत्य प्रकाश, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। गोलू, दीपक, ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा हाँ सही कह रहे हैं। देखो बच्चे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मूविंग आयरन ही है, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा अपडेट कर लो, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है बच्चे, ठीक है। चलो हो जाता है यार प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी, है ना, इंसान इंसान से गलतियां होती हैं। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर आर यूज फॉर, शाबाश यार आज तो तुम छा गए हो सबके सब, बहुत बढ़िया, कीप इट अप गाइस। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, शाबाश। डी, देखो बच्चे यूज तो आप इसका मीटर के तरीके से भी कर सकते हो, बच्चे इसका यूज आप वोल्ट मीटर के तरीके से भी कर सकते हो, बट दे आर फेमस फॉर देयर वॉट मीटर। वॉट मीटर कैसी वैल्यू नापता है बच्चे, ये एवरेज वैल्यू, इन्हीं को कहते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एक और होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एसी डीसी दोनों वैल्यू पे काम करते हैं, एसी डीसी दोनों पे करते हैं बच्चे, 12 से 1 होती है क्लास। चलिए नेक्स्ट बताएं बच्चे, ब्रेकिंग टॉर्क इन एनर्जी मीटर इज प्रोवाइडेड बाय, ब्रेकिंग टॉर्क इन एनर्जी मीटर इज प्रोवाइडेड बाय, गुड गुड बहुत अच्छे गाइस, कीप इट अप, शाबाश। ऐसे ही आप देखो 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, कम समय में 50, समय का सदुपयोग, ठीक है बच्चे। चलो
शाबाश, परमानेंट मैग्नेट। ये तो आसान क्वेश्चन है, इस पे समय नहीं खराब करेंगे। तो आपको याद होगा इसके डिस्क में अपन दो क्या करते हैं, होल्स को ड्रिल करते हैं टू रिड्यूस क्रीपिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, शाबाश। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इट्स ए गुड क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ यार, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ गाइस, ये आपको दिया है एवरेज पावर लोड में कैलकुलेट करनी है वाट में। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जब भी कभी आ जाए। माय डियर एक बात बताओ, इस वोल्टेज की कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यहाँ? नहीं है। पांचवे हार्मोनिक्स की कोई है? नहीं है। तो इनसे होने वाली पावर भी क्या होगी, जीरो वाट। तो बस बचा क्या फॉर्मूला, ये बचा पी बराबर वी आई कॉस फाई। तो बेटा यहाँ आरएमएस मान है बट यहां पर पीक मान दिए, तो जब भी ये वैल्यू दी हो cos 60, तो मेरे बच्चे कितनी आ गई, 250 वाट, है ना, कितने आ गए 250 वाट। तो देखो किस किस ने बताया आंसर, गोलू, राजीव, हर्ष, बहुत अच्छे बच्चे। तो कभी घबराना नहीं है ऐसे सवालों से, आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बस दिमाग में यह दौड़ाना है कि इनका फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गायब है तीसरे की पांचवे की, तो इनसे होने वाले लॉसेस भी, क्योंकि तो हमें पता पावर बराबर वी आई, जब वोल्टेज ही जीरो है तो इन छोटे छोटे हार्मोनिक से कोई भी लॉस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, कौन से ऐसे वोल्टमीटर हैं जिनका लीस्ट पावर कंजप्शन है? As the least power consumption. बहुत बढ़िया गाइस, शाबाश। तो देख रहा हूं मैं, काफी बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। बस बेटा इस बार जेई में सिलेक्शन लो और दिल खुश कर दो हमारा। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। किस लिए यूज होते हैं बच्चे ये? सर मेजर्ड आई किलो वोल्ट वोल्टेजेस। दूसरा क्या है? दूसरा ये, दे यूज्ड फ्लूइड डैम्पिंग। ठीक है, एसी डीसी वोल्टेजेस को नापने के काम आते हैं बस ये। अगर कोई आपसे बोले क्या इनसे करंट मेजर कर सकते हैं, दे डोंट मेजर करंट। चलिए ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट, डैम्पिंग टॉर्क इन द डिस्क ऑफ एसी एनर्जी मीटर इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द इफेक्ट। कौन से इफेक्ट से प्रोड्यूस करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क इन द डिस्क ऑफ एन एसी एनर्जी मीटर इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था हम किसका यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं फॉर ब्रेकिंग के लिए। तो माय डियर जहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, जहां पर भी आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वहां पर एडी करंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपका किसमें आता है, पीएमएमसी के अंदर। फिर आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की बात कर लें, फिर आपका एमआई की बात कर लें, तो इनमें यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन। यही चार पांच बातें घूम फिर कर आती हैं। देखो जो बच्चे चिल्ला रहे हैं ना हाई लेवल हाई लेवल, तो बेटा मेरे जाके ना प्रीवियस क्वेश्चन देख लो,
मिल जाएगा हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल ऐसा नहीं बच्चे हम करवाते हैं, करवाए हैं मैंने बहुत सारे, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता, डीमोटिवेट ज्यादा हो जाते हैं। तो आप जैसे जितने भी बालक हैं जिन्हें हाई लेवल का बड़ा शौक है वो मेरी स्पेशल क्लास में आ जाएगा। तो हाई लेवल क्या बहुत ऊपर के लेवल के मिलेंगे। चलो नेक्स्ट बताओ, जाहिर सी बात है बच्चे अगर आप एसी सिग्नल पीएमएमसी सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए जाना जाता है, अगर आप इसे अप्लाई करोगे माय डियर तो हमेशा जीरो वैल्यू मिलेगी। शाबाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। डीसी जनरेटर द करंट इन ईच पैरेलल पाथ। करंट इन ईच पैरेलल पाथ कितना होगा बच्चे? चार पोल 200 किलोवाट 200 ओम बताएं बच्चे। शाबाश। तो यहां अश्वजीत ने, शंकर, एलेक्स, परमहंस, राहुल, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिए हैं। चलिए आइए बात करते हैं। मेरे बच्चे देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले करंट निकाल लो। करंट निकालने का एक ही फॉर्मूला है डीसी में, पी बराबर वी आई। पावर आपको बच्चे दे दिया गया है, तो माय डियर ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 100 एम्पियर आ गई। जब ये 100 एम्पियर आ गई माय डियर, तो पैरेलल पाथ कितने होते हैं वेव के अंदर? दो। तो एक पैरेलल पाथ में कितने जाएंगे? 50 जाएंगे। तो क्योंकि उसने बोला है ईच पैरेलल पाथ, लैप होता तो 25 होते। बहुत अच्छे एलेक्स, गुड। ये होता है अपने ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना। शाबाश। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड हैव। बेटा वेव थी ना, वेव, वेव बाइंडिंग थी, वेव बाउंड, ठीक है राहुल। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यार डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब जो भी हमारे प्यारे प्यारे भोले वाले बच्चे हैं आप सब आंसर दो, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 30 से 40 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रेंज में पूछ ले तो सर 135 से तो ऊपर होना चाहिए फ्लैश पॉइंट। ट्रांसफार्मर ऑयल किस काम के लिए आता है? सर कूलिंग के लिए आता है, प्लस इंसुलेशन काम के लिए आता है। बच्चे कलर कौन सा होता है इसका? पेल येलो, पीले रंग का होता है। फिर यूज करने के बाद, आफ्टर यूज, इट इज ब्राउन कलर, ठीक है। विस्कोसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, यार ये तो अच्छी राय में बोली है गोलू तुमने। देखो यार ये बच्चा कह रहा है सर स्पीड इंक्रीज। अबे नालायक, क्या बोलूं बच्चे मैं तेरे को, हैं 34 क्वेश्चन कराए 50 मिनट के अंदर, और जिस स्पीड पे चल रहा हूं ना, मुझे तो कभी कभी लगता है आप सब भी बोलोगे सर कभी डांस भी करके दिखा दो। क्या यार बच्चे हैं,
क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव बच्चे, क्या है मतलब हद है। अब यार जितनी स्पीड है उसी स्पीड से तो चला जाएगा, सबके हिसाब से देखकर चलना पड़ेगा, आपके हिसाब से थोड़ी देख के चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, करते हैं बच्चे, कोशिश करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत हो, मैं खुद तुम्हारा टाइम का सदुपयोग कराना चाहता हूं यार। चलो बच्चे क्या है इसका राइट आंसर? यार एक लॉजिक बात याद रखो, जनरेटर में गुरुजी ईजी बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से या बराबर हो सकता है, मोटर में बात करेंगे वोल्टेज ग्रेटर देन बैक ईएमएफ, ठीक है ये हो सकता है। तो आप देख लो यहां बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है वो आपकी मोटर की, तो मोटर में सर ई भी कम होगा सी, ये जनरेटर के लिए होगा, ये मोटर के लिए होगा, खत्म बात। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स फोर पोल लैप वाइंडिंग? शाबाश, डुप्लेक्स के लिए बताओ बच्चे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे। देखो बच्चे इसके लिए एक ही ट्रिक याद रखो, बराबर होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ टू इन टू पोल, दैट्स इट, चार आठ। तो बच्चे कितने होंगे, डुप्लेक्स है ना डबल, आठ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन विल ऑफर मिनिमम एफिशिएंसी? बताएं बेटा मिनिमम एफिशिएंसी इनमें से किसमें मिलेगी, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आंसर बताएं बस। यार इसके ना पूरा डिटेल में ही करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है ठीक है, डिटेल कभी वाइंडिंग के लिए बनाएंगे कोई ना सेशन, तो उसमें बता दूंगा, जल्दी बनाऊंगा, परेशान मत, आजकल मशीन वैसे भी चल रही है प्लस पर। चलो देखो यार एक बात बताओ मेरे को, स्पीड कंट्रोल कर रहे हो आप, ठीक है आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है स्पीड कंट्रोल को समझो गाइस, इसका आंसर है सी। तो यार देखो जब आप आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाओगे, व्हेन यू विल अप्लाई द रेजिस्टेंस, तो आपका क्या होगा, जब आर्मेचर कंट्रोल करोगे तो आपको जो स्पीड मिलेगी तो आपका ई रिड्यूस होगा, जब ई रिड्यूस होगा तो स्पीड रिड्यूस होगी, बट यहां पर पावर लॉसेस ज्यादा होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस लगाने से आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा आपका एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि हमें पता है जब लॉसेस बढ़ते हैं तो एफिशिएंसी घटती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन? पैरेलल ऑपरेशन के लिए सबसे सुटेबल कौन सा है गाइस? मैक्सिमम के लिए आप वो क्या कहते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करो, ठीक है उसमें अच्छा खासा आपको कंट्रोल भी मिलता है, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, उसे कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। शाबाश, सभी ने सही बताया, शंट जनरेटर। यार देखो पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए एक बात याद रखें सर, टर्मिनल वोल्टेजेस सेम होने चाहिए जिनसे सर्कुलेटिंग करंट ना भाई इनके बीच में, जिनके वोल्टेज सेम हो वही पैरेलल की रिक्वायरमेंट है, और यहां पर ऐसा हमें मिलता है डीसी जनरेटर की करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ,
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, अब देखो इसमें काफी बच्चों ने गलती करी है। कौन है यार ये बच्चा अपना, एक तो नाम इतना बेरोजगार इंजीनियर, अबे अपनी इज्जत करनी सीखो यार। किसी ने बोला बेरोजगार लगा लो तो बेरोजगार लगा लो भाई, इंसान अपना एटीट्यूड अच्छा रखा करो, अपना ओरिजिनल नाम रखो हमेशा। बेटा ये होता आपका ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है, जो आप इसकी बात कर रहे हैं इसमें ये वन अपॉन ए आएगा, ठीक है, ये जो ए होता है इट इज इक्वल टू वन बाय के, ये होती है एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बिकॉज हम ये बोलते हैं कि सेकेंडरी साइड में हमेशा क्या कनेक्ट करते हैं, लोड, ठीक है, और प्राइमरी साइड ऑलवेज कनेक्टेड विद सोर्स, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये होता है। चलिए ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है भैया, किताबें सही से पढ़ लो यादव जी, पता चल जाएगा। हाँ लेवल कंपाउंड होगा अगर दिया होगा, ठीक है बेटा तुम लगाते रहना, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा, तुम ज्ञानी हो तुम ज्यादा। चलो तो वही है जो बच्चा जितना दिमाग है। चलो बिल्कुल सही, देखो बच्चे एक बात याद रखो, मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां पर मिलती है बच्चे हमें, जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के बराबर हो जाए, क्योंकि आयरन तो अटल है, ये तो कांस्टेंट लॉस है। ठीक है क्लियर, ये वाला पॉइंट याद रखो। तो माय डियर जब ये आपको दिए हुए हैं 600, तो अब कॉपर लॉसेज जो हैं वो 800 की जगह 600 पर आएंगे, तब एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। नो लोड पर सिर्फ आपको क्या मिलता है, देखो दूसरी बात याद रखो भाई, नो लोड पर पूछा है तो आयरन लॉस ही मिलेंगे, सर इन लॉसेस से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो वेरिएबल लॉस है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए भी ये पॉइंट याद रखो, काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलो बेटा इसका सिंबल बताएं, एक मिनट मैं इसे सही से बना दूं, अदरवाइज क्या होगा ना गड़बड़ हो जाएगी। रुक जाओ गाइस मुझे बनाने का मौका दीजिए, ठीक है सिंबल 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 बताएं बच्चे, ये किसका सिंबल है, सिंबल बताएं बच्चे किसका सिंबल है, हाँ बिल्कुल यार सिंबल गायब कर दिया बनाने वाले ने, क्या करूं मैं हैं। चलो आंसर बताओ बच्चे, देखो माय डियर ये है कॉमन कॉयल, एक ही कॉयल है, सिंगल कॉयल ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ट्रांसफॉर्मर बोलता तो आप याद रखें इस तरीके से होता है। अरे ये क्या हो गया,
एक मिनट यार, मुझे स्लाइड्स और लेने दो। चलिए डियर, ये बताएं क्वेश्चन नंबर 41। बताएं विच डीसी मोटर इज जनरली प्रिफर्ड फॉर क्रेन्स, कौन सी मोटर का यूज करते हो? ये तो सभी को रटा रहना चाहिए। शाबाश, सीरीज मोटर सर जी, बिल्कुल, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। शाबाश गाइस, गुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टू सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज तो टॉर्क टी मिला, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा गाइस? गुड, बहुत बढ़िया। शंट मोटर नहीं बेटा, शंट जनरेटर। देखो यार, दो मोटर है आपकी है तो करंट बेटा क्या होगा इनमें? आधा हो जाएगा। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर, तो आधा करंट लगा तो टॉर्क कितना हो गया? चार। स्पीड पूछेगा तो चार गुनी हो जाएगी। वाइडली वैरायटी ऑफ स्पीड कंट्रोल, देखो यार साफ सीधी बात है, कितने मेथड होते हैं शंट के। आप देखो, एक फील्ड कंट्रोल मेथड होगा, आर्मेचर कंट्रोल होगा, वार्ड-लियोनार्ड मेथड होगा, स्लिप रिंग के अंदर देखोगे वी बाय एफ होगा, कास्केडिंग पोल होगा, रियोस्टेट मेथड होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर कंट्रोल मेथड होगा, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप यहां पर सी, ठीक है, अगर यहां पूछता कि सबसे इजिली किसके लिए कर सकते हैं, देन डीसी शंट, डीसी मशीन्स। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर कौन सा यूज करेंगे माय डियर? बैटरी चार्जिंग के लिए। हाँ डियर, डेली होती है क्लास 12 से 1। चलिए बताएं बच्चे, 6 सवाल और हैं। आज मेरे को रिकॉर्ड बनाना है 1 घंटे में 50 सवाल का, हालांकि रिकॉर्ड अपना टूट गया अभी, कोई नहीं, अगली बार बनाएंगे तुम्हारे साथ। अभी डिस्कस किया था क्योंकि सर कांस्टेंट वोल्टेज और बैटरी को चार्ज होने के लिए चाहिए कांस्टेंट वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नो लोड स्पीड ऑफ डीसी मोटर सीरीज मोटर, हाँ सीरीज जनरेटर बूस्टर के लिए यूज होता है। शाबाश बच्चे, वेरी हाई, तभी हम इसे स्टार्ट नहीं करते नो लोड पर। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट
स्टार्टिंग में क्या होता भाई, आपका लाइन करंट बैक ईएमएफ सब जीरो होता, इसलिए आपको स्पीड कितनी मिलती है, इनफाइनाइट। लेकिन क्या कर सकते हो आप, शंट लगाकर, शंट डाइवर्टर लगाकर नो लोड पर स्पीड ले सकते डीसी सीरीज से। ठीक है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट्स बच्चे मैं प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएल, मैंने किताबें कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, सारी डिटेल आप सभी बच्चों के लिए बनाई है। तो आप देख लेना यूपीपीसीएल की 60 डेज की रणनीति करके एक मेरा वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो से आप देख लेना, उसमें सब पता चल जाएगा बेटा। इट विल रिप्रेजेंट द हिस्टेरेसिस लॉस, जितना ज्यादा इस कर्व का एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। आप यहां प्लेलिस्ट में देखना, मैं बताता हूं। चलिए नेक्स्ट बताएं, बताओ या फ्रिक्शन कम करने के किस टाइप का सपोर्ट होता, बॉल बियरिंग। शाबाश, बॉल बियरिंग बिल्कुल सही। अस्सी मिनट में यार, मैं तो कहता हूं पहले ये बताओ पेपर के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, कौन सा पेपर है, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तब मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं आपको। हालांकि मैं बच्चों को हमेशा वही कहता हूं, जब क्वेश्चन तुम्हें फुल टॉस मिले तो उड़ा दो। ठीक है, जहां पर भी तुम्हें लगता है क्वेश्चन बहुत आड़ा तिरछा आया है और फंसाने के लिए आया है, छोड़ दो। तो एग्जैक्ट करो, कम ही क्वेश्चन करो लेकिन सही करो। शाबाश प्रखर, गुड। ऑप्शन नंबर डी कैसा करेगा, लैगिंग वीएआर, ओवर एक्साइटेड बिहेव एज एन कैपेसिटर। तो यार मैं तुमसे एक बात ईमानदारी से कहूंगा, नॉन टेक पर भी ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चंस करो लगभग 100 क्वेश्चन करो, 90 क्वेश्चन करो टेक्निकल, 90 से 95, बाकी जितना है नॉन टेक पे भी ध्यान दो, क्योंकि पेपर निकलेगा नॉन टेक की वजह से, क्योंकि टेक्निकल से तो तुम्हें प्यार होता ही होता है, उसे मनाओगे ही तुम। स्लिप रिंग एम्प्लॉयड इन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर आर इंसुलेटेड फॉर, हाँ तो सिंक्रोनस बोला है तो देखो, यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। ये सुमित साहब आए हैं काफी टाइम के बाद, भैया कोई भी चीज आपको वीएआर देगी, लैगिंग ही देगी अंडर ओवर एक्साइटेड कंडीशन, ये ज्ञान ले लो भैया, बहुत काम की चीजें हैं, गलत सलत कॉम्सेट बना रखे हैं। चलो जल्दी बताओ, ये तो कल ही किया क्वेश्चन यार, इंसुलेटेड फॉर लो वोल्टेजेस।
यार देखो यूपीपीसीएल के एई के क्वेश्चन कर जाओ यूपीआरबीएनएल के, ठीक है, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर तो सारे ही अटेम्प्ट करो, लेकिन नॉन टेक जरूर बनाना। बताओ बच्चे, अगर दो अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन में लाना है, सिंक्रोनिज्म में लाना है, तो देयर टर्मिनल वोल्टेजेस आर, ध्यान से पढ़ के आंसर दो इसका। अभी क्या करें, अभी तो यार एक काम करो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और पूरी जनवरी सिर्फ क्वेश्चंस लगा, एक महीना जमकर टेस्ट सीरीज ले लो, प्रैक्टिस बुक ले लो, जितना पढ़ सकते हो जहां से उतना करो। भाई देखो एक बात बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए, दो अल्टरनेटर अगर आप सीरीज ऑपरेशन में ले रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए, वोल्टेज टर्मिनल सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सटर्नल सर्किट के अकॉर्डिंग। सही है, लगा लो वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड लगा लो, युद्ध का बुरा नहीं है, बट उसके आंसर काफी हद तक कुछ कुछ गलत भी हैं, तो उन पे ध्यान रखना। उन्होंने सही आंसर के लिए कभी कभी गलत कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो उन बातों का ध्यान रखो। लोकल सर्किट कुछ होता ही नहीं है यार, लोकल सर्किट तो फालतू की बात है। चलो दोनों वोल्टेज बराबर होने चाहिए एंड सेम डायरेक्शन में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सर्किट, तभी सर्कुलेटिंग करंट जीरो होगा। चलो यार देखो बैच चल रहा है, बैच हमारा जा रहा है, 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, तुम्हें रिकॉर्डेड वगैरह सब मिल जाएंगे। आप पहले मुझे ये बताओ, सारे के सारे एक घंटे के अंदर लगभग हमने 50 क्वेश्चंस किए, उम्मीद करता हूं तुम्हें सेशन अच्छा लगा हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कमेंट में बता देना, परेशानी और दर्द वहां से ले लिया जाएगा, परेशान मत होइए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यार खेमिंदर सर पढ़ा तो रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खेमिंदर सर वहां से देखो। मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी पर फॉलो कर लेना, दैट्स माय प्रोफाइल। क्यों करें सर, 6000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं और मुफ्त के क्वेश्चंस हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता, चार्ज नहीं लगता, ठीक है। प्लस पर अगर हो तो पावर सिस्टम यूईटी एस्टिमेशन कॉस्टिंग मशीन्स पढ़ सकते हो, डिटेल में दिया है भर भर के कंटेंट, रजिस्टर भर जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। राहुल सर को ज्वाइन कर सकते हो पावर बैच में पूरी टीम के साथ, राहुल 11 कोड के साथ, ये कोड देखो ये है फ्रीक्वेंसी, अगर मेरी आर्मी का हिस्सा बनना है तो जस्ट अप्लाई दैट कोड राहुल 11, ठीक है क्लास। आपको लगता है राहुल सर आपके लिए एफर्ट करते हैं, ठीक है, आपके लिए फिक्रमंद है, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद है, कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, फालतू की बातें नहीं करते, तो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो राहुल 11 कोड के साथ और पूरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो, संडे आज आपका यूटिलाइज हुआ है, बहुत अच्छे, बाय। चलिए गाइस किसी को कोई परेशानी हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। हाँ बच्चे सब बढ़िया।